स्टूडेंट, आपका अपने YouTube चैनल पर हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। सभी प्रिय दोस्तों और अभिभावकों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का विषय होगा केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को इजी कैसे बनाएं। केमिस्ट्री देखिए एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बच्चों के दृष्टिकोण से बच्चों को बहुत कठिन लगता है, टफ लगता है ये। तो इसकी प्रिपरेशन को हम इजी कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास तरीका होगा ताकि सभी बच्चों को केमिस्ट्री आपका इजी लगने लगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जब हम कंपेयर करते हैं तो मोस्टली बच्चे केमिस्ट्री को ही टफ कहते हैं। इसका कारण ये है कि बच्चे मैथ ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मोस्टली जो अपना टाइम होता है वो मैथ में देते हैं, इसीलिए उनको मैथ इजी लगने लगती है। केमिस्ट्री में टाइम कम देते हैं, केमिस्ट्री टफ लगने लगती है। और जो बायो ग्रुप के बच्चे होते हैं, बायो ग्रुप के हिसाब से वो महसूस करते हैं, फील करते हैं कि केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है, कठिन लगता है उनको, जो भी लर्न करते हैं वो भूल जाते हैं। तो केमिस्ट्री को हम इजी कैसे बनाएं, इसकी तैयारी किस हिसाब से करें कि आप लोग के लिए केमिस्ट्री एकदम इजी लगने लगे, आप ये महसूस करें कि केमिस्ट्री बहुत इजी है। तो देखिए होता क्या है कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर जब हम निकालते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो चीज हमको आती है उसी चैप्टर को या उसी टॉपिक को हम निकाल करके पढ़ते हैं। आपने अनुभव किया होगा इस बात को, जैसे ही आप जो है सब्जेक्ट को लेकर के बैठते हैं तो आप वही चैप्टर वही टॉपिक को पढ़ते होंगे जो आपको जो है आता है। जो चीज नहीं आती है, हम हो या आप कोई भी हो, जो चीज नहीं आती उसके विषय में या उसके बारे में या उसमें इंसान का मन कम लगता है, और जब मन कम लगेगा, कम उसमें आप समय देंगे तो चीज आपको कठिन लगेगी। तो कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अपने आप को पहले वो माइंड में मेकअप करे कि हमें जो चीज नहीं आती है उसकी लिस्ट बनाए, जो टॉपिक जो चैप्टर नहीं आता है उसको लिस्टेड करें और वन बाय वन उस टॉपिक को निकाल करके स्टडी करें। तो आप करते क्या हैं कि मान लो हम कोई चैप्टर निकालते हैं, उसमें हमें जो टॉपिक अच्छे लगते हैं, जो हमें आते हैं वही अच्छे लगते हैं, तो उनमें तो मन लगता है, वो बच्चा पढ़ता है। बाकी जो चीज़ कठिन होती है, जो नहीं आती है वो कठिन है, जो नहीं आती है उसके बारे में बच्चा ध्यान ही नहीं देता है, ना उसको पढ़ता है, इसीलिए दिन पे दिन उसे वो और टफ लगने लगता है। तो हम क्या करें, कैसे स्टडी को करें कि केमिस्ट्री इजी हो जाए। तो देखिए जो चीज़ हमको नहीं आती, जो टॉपिक हमको नहीं आता केमिस्ट्री में, वही चैप्टर आप निकालें, उसी चैप्टर को थॉरली पढ़ें, उसी में आप मैक्सिमम अपना टाइम जो है स्पेंड करें। जब अधिकांश भले ही आपको कठिन लगेगी, एक आध बार आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको टफ लगेगी, कठिन लगेगी, आप महसूस करेंगे कि अरे ये एकदम बोरिंग है। ऐसा नहीं है, बोरिंग कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ भी आपको आती है तो बोरिंग नहीं लगती और नहीं आती है तो बोरिंग लगती है। तो जब आप उस टॉपिक को दो चार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका वो जो है टॉपिक लर्न हो जाएगा, और जब लर्न हो जाएगा तो वो चीज़ आपको इजी लगने लगेगी। तो आप यही करें कि जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते हैं, जो टफ लगते हैं, उनको आप जो है लिस्ट तैयार करें और वन बाई वन चैप्टर वाइज आप निकाल करके उनको स्टडी करें। जब आप पढ़ेंगे, समय देंगे तो चीज जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आपको जो है तैयार हो जाएगी, आपको ये लगेगा नहीं ये तो बहुत ही ईजी था। और जब आप सेल्फ स्टडी से अपने आप से पढ़ करके उस टॉपिक को तैयार करेंगे तो लाइफ टाइम कभी भूलेंगे नहीं। पढ़ाई हुई चीज़ तो बच्चा भूल सकता है, लेकिन स्वयं तैयार की हुई चीज़, स्वयं तैयार किया हुआ टॉपिक कभी बच्चा भूलता नहीं। तो आप ये करके देखें तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे और अपने आप में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो केमिस्ट्री को इजी करने का सबसे
बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड यही है कि जो टॉपिक आपको टफ लगता हो उसी टॉपिक को आप बार बार ओपन करें, उसी को बार बार पढ़ें। जो टॉपिक आपको आते हैं, इजी लगते हैं, उनको आप कतई ना पढ़ें। जो आपको नहीं आता, जो बहुत टफ लगता है, जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हैं, उन टॉपिक को आप निकालें और निकाल करके उनकी स्टडी करें। और जब उनकी स्टडी करेंगे तो एक दो बार करने के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि वो टॉपिक आपका पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, ठीक। और आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगेगी। तो इस हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट में यदि प्रॉब्लम आती है तो आप इसी मेथड का प्रयोग करेंगे, इसी तरीके स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और अपने टेंशन को फ्री करेंगे। आप टेंशन फ्री होंगे उस सब्जेक्ट से, लेकिन पढ़ाई का मेथड यही होना चाहिए कि जो चीज़ आपको कठिन लगती है, टफ लगती है, उसी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना दें, उसी को आप बार बार पढ़ें और उसी का रिवीजन करें, तो आपको बहुत इजी लगेगी। ओके, ऑल द बेस्ट।